नमस्कार, स्वागत है आपका बात खेल की में और आप देख रहे हैं न्यूज 28। मैं हूं आपके साथ अलका, बात खेल की, जहां हम बात करेंगे खेल जगत से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के बारे में। तो आइए आज बात करते हैं 24 अक्टूबर को होने वाले मैच की, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के मैच का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक बार फिर किंग विराट और क्लासिकल बाबर आमने सामने होंगे। तो बात करते हैं किंग विराट और बाबर के खेल की। किंग विराट एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और साथ में उन्होंने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। और बात करें बाबर आजम की, तो वो भी इस सूची में पीछे नहीं है। रन बनाने की इच्छा में उन्हें भी सूची में ऊपर रखा जाता है। बात करें ICC की T20 रैंकिंग की, तो इसमें बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं, तो वहीं विराट कोहली चौथे नंबर पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। बात करें T20 इंटरनेशनल की, तो विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, सबसे ज़्यादा पारियां खेली हैं और सबसे ज़्यादा अर्धशतक भी लगाए हैं, लेकिन अभी तक वो शतक लगाने में नाकाम रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम भी इस लाइन में पीछे नहीं हैं, उन्होंने भी काफ़ी रन बनाए हैं। उन्होंने 212 पारियों में 7000 रन पूरे किए हैं। दोनों ही खिलाड़ी अलग अलग तरीकों से मजबूती पर हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी टीम मैच जीतती है, कौन सी टीम के सर पर विजेता का ताज होता है और कौन सी टीम हार का सामना करती है। जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 28। नमस्कार।